हेलो स्टूडेंट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट ऑल द फैक्ट रिलेटेड टू क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एंड आल्सो देयर टाइप्स सो फर्स्ट थिंग यहां पर अंडरस्टैंड करते हैं कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का मीनिंग क्या होता है तो एग्जाम्पल आप क्रोमोसोम तो जानते ही हैं कि क्रोमोसोम जैसे अगर हम ह्यूमन बींग में बात करें तो फोर्टी सिक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है अब फोर्टी सिक्स क्रोमोसोम में क्या प्रेजेंट है डिसऑर्डर इट मीन्स कि अगर कोई क्रोमोसोम का नंबर ज़्यादा हो रहा फोर्टी सिक्स से क्रोमोसोम फोर्टी सेवन हो रहा है या फिर डिलीट हो रहा है ठीक है अपसेंस हो रहा है किसी क्रोमोसोम का फोर्टी सिक्स से फोर्टी फाइव रह रहे हैं या फिर एबनॉर्मल अरेंजमेंट प्रेजेंट है जो प्रॉपर एक अरेंजमेंट क्रोमोसोम्स का होना चाहिए वो नहीं प्रेजेंट है तो ऐसे केसेज में ऐसे टाइप की डिजीज को या डिसऑर्डर को हम क्या बोलेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बोलेंगे तो आप क्या बोलोगे कि अपसेंस हो रहे हैं क्रोमोसोम या फिर एक्सेस हो रहे हैं या फिर एबनॉर्मल अरेंजमेंट हो रहा है तो इसे हम बोलते हैं क्रोमोसोमल प्रॉब्लम ओके अब यहाँ पर थ्री टाइप्स हैं जो कि हम अंडरस्टैंड करेंगे फर्स्ट यहाँ पर रहेगा डाउन सिंड्रोम सेकेंड होगा आपका टर्नर सिंड्रोम और थर्ड वन यहाँ पर होगा क्लैनफिल्टर सिंड्रोम अब यहाँ पर आपको थ्री टर्म्स हो अगर आपको मैं मीनिंग समझाऊँ इन टर्म्स की तो थ्री टर्म्स तो आपको डिफरेंट लग रहे हैं चाहे वो डाउनस हो टर्नर्स हो या फिर क्लैनिफिल्टर्स हो और थ्री टर्म्स हो कॉमन है यहाँ पर सब सेम है फॉर एग्जाम्पल सिंड्रोम यहाँ पर सेम है आपको तीनों डिजीज में सिंड्रोम दिख रहा है सिंड्रोम वर्ल्ड का मतलब क्या होता है सिंड्रोम वर्ल्ड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ अ साइन इट मीन्स कि ऐसी डिजीज़ जिसके साइंस बहुत सारे हों जिसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हों ठीक है तो इनके लिए हम स्पेसिफिक टर्म जो यूज़ करते हैं वो होता है सिंड्रोम ओके नेक्स्ट वी अंडरस्टैंड अबाउट द फर्स्ट डिसीज़ और डिसऑर्डर और सिंड्रोम विच इज डाउन सिंड्रोम डाउन सिंड्रोम का नाम डाउन्स क्यों है सबसे पहले तो ये सिंड्रोम वर्ड का मतलब तो आप समझ चुके हैं अब डाउन्स का मीनिंग हम समझने वाले हैं तो फर्स्टली इस डिज़ीज़ के बारे में सबसे पहले लैंगडॉन डाउन्स ने डिफाइन किया था 1866 में इस वजह से इसे हम डाउन सिंड्रोम बोलते हैं उसके अलावा इसका अनदर नेम भी है ट्राइसोमी ट्राइसोमी 21 क्यों बोलते हैं ट्राइसोमी देखिए ट्राई का मतलब क्या होता है थ्री होता है ठीक है ट्वेंटी वन का मतलब सिंपल सी बात है कि ये क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं इट मीन्स स्टूडेंट की जो क्रोमोसोम नंबर ट्वेंटी वन होता है अब वहाँ पर पेयर में टू क्रोमोसोम प्रेजेंट होने चाहिए थे ठीक है बट यहाँ पर कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट हो रहे हैं थ्री इट मीन्स यहाँ ट्वेंटी वन पेयर में थ्री क्रोमोसोम प्रेजेंट होने की वजह से हम इसे ट्राइसोमी भी बोलते हैं ओके okay? ट्राइसोमी ट्वेंटी वन बोलते हैं जैसे नॉर्मल ये एक आप यहाँ पर एरियो टाइप का रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं क्रोमोसोम नंबर वन टू थ्री सब पेयर में प्रेजेंट है अब आप यहां पर फोकस करिए जहां मार्क है ट्वेंटी वन पे ट्वेंटी वन पे टू क्रोमोसोम होने चाहिए थे लेकिन एक इंक्रीज है इट मीनस यहाँ पर कैसी कंडीशन है ट्राइसोमी सो ट्राइसोमी ट्वेंटी वन इज अ कॉन जेनेटल कंडीशन मतलब ये जेनेटिक कंडीशन है और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कॉपी 21 क्रोमोसोम में फॉर्म हो जाती है ठीक है और ये जो एक्स्ट्रा कॉपी है क्रोमोसोम की इसकी वजह से मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट्स हार्म होता है या फिर डिले होता है ओके तो और फैक्ट समझते हैं यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर कॉमन क्या फ़िज़िकल साइंस इंक्लूड होते हैं यहाँ पर डाउन सिंड्रोम से रिलेटेड तो जैसे कि आप ये बेबी की इमेज देख पा रहे हैं ठीक है यहाँ पर क्या है डिक्रीज द मसल्स टोन एट बर्थ देन एक्सेस स्किन एट द नेप ऑफ द नेक देन फ्लैटिंग नोज होती है अपवर्ड स्लैटिंग आइज होती है स्लैंटिंग आइज होती है स्मॉल ईयर्स होते हैं माउथ स्मॉल होता है वाइड एंड शॉर्ट हैंड होते हैं विथ शॉर्ट फिंगर्स ओके ये आ, फिंगर्स का अरेंजमेंट भी आप देख पा रहे हैं ओके नेक्स्ट वन है इनकी सेपरेटेड जॉइंट्स प्रजेंट होते हैं बिटवीन द बोन्स ऑफ द स्कल एंड नेक्स्ट वन सिंगल क्रीजेज इन द पाम्स ऑफ द हैंड ओके तो इनके पाम्स में भी आपको क्रीजेस देखने को मिलती है ओके okay? तो ये ओवरऑल इनके सिम्टम्स होते हैं डाउन सिंड्रोम के नेक्स्ट वन यहाँ पर ये यह क्यों होता है कैसे होता है इसे समझते हैं अब देखें यहाँ पर 21 वन पेयर का जो क्रोमोसोम होता है अब नॉर्मल यहाँ पर डबल पेयर प्रेजेंट होने चाहिए थे होते हैं ठीक है ठीके? आप जानते हैं नॉर्मल सेल्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस मी जो क्रोमोसोम है वो सेपरेट होते हैं और सेपरेट होकर के अपनी सेल्स में जाते हैं इवन गैमिट्स अगर हम बोले तो वहाँ ट्रांसफ़र होते हैं

कि प्रॉपरली जंक्शन जो है वो नहीं फॉर्म हुआ है ना नॉन हो गया नहीं हुआ अब इसकी वजह से ये दो थे गैमेट में ट्रांसफर क्रोमोसोम और यहां पर दूसरी एक नॉर्मल सेल से क्रोमोसोम आया तो यहां पर गैमेट्स के नंबर जो एक पैरेंटल एक पैरेंट फादर से आना चाहिए था एक मदर से आना चाहिए था बट यहां पर क्या हुआ यहां पर दो आ गए एक पेरेंट से और दो एक पेरेंट से और एक एक पेरेंट से मिल रहा है जिसकी वजह से यहां पर क्या कॉज हो गया नॉन डिस जंक्शन कॉज हो गया ठीक है तो ये तो सारे फैक्ट रिलेटेड थे हमारे डाउन सिंड्रोम से अब हम आपको क्लेनिक फिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम समझाने के लिए एक दूसरे ग्राफ की हेल्प लेते हैं इवन यहाँ पर मैं ये प्रोसेस एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि नॉन डिस्जंक्शन क्या होता है ओके okay? सो so, अगर मैं यहाँ पर थ्योरी की बात करूँ सो द फेल्योर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम टू सेपरेटेड प्रॉपरली ड्यूरिंग मियोसिस मतलब जो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं अगर वो प्रॉपरली सेपरेट ना हो मियोसिस के टाइम पर तो ये कॉज करते हैं नॉन डिसजंक्शन जैसे अब मैं यहाँ पर आपको पहला केस समझाता हूँ फर्स्ट केस है यहाँ पर वट शुड हैपन नॉर्मल सेल्स में क्या होता है अब जैसे ये एक नॉर्मल सेल है अब इनमें मियोसिस होगी तो मियोसिस के बाद देखें यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट में अब ये क्या हो गया है यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं दो क्रोमोसोम यहाँ पर सेपरेट हो रहे हैं ठीक है अब उसके बाद एक एक तरीके से मैंने क्रोमेट्रिट बोलते हैं ना जब मियोसिस की प्रोसेस होती है तो मेटाफेज की फेज में बोलते हैं ना बाई बैलेंट स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है अब वो सब आपको मियोसिस में पढ़ा चुका हूँ तो यहाँ पर सिर्फ इसी प्रोसेस को समझिए अब जब यहाँ पर मियोसिस सेकेंड की प्रोसेस होगी तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे यहाँ पर फोर सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है देख रहे हैं आप फोर सेल्स यहाँ पर फॉर्म है ठीक है फोर सेल्स फॉर्म है अब ये जो फोर सेल्स हैं अब फोर सेल्स में जो क्रोमेटिड थे है ना इवन क्रोमोसोम अगर बोलें तो ज़्यादा क्लियर रहेगा ये क्रोमोसोम सेपरेट होकर के अपने गैमिट में ट्रांसफर हो रहे हैं ठीक है ये नॉर्मल कंडीशन में होती है अब अगर यहाँ पर एब नॉर्मल कंडीशन हुई एब नॉर्मल कंडीशन का सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर हो रहा है नॉन डिसजंक्शन ठीक क्या हुआ है यहाँ पर देखिए पहले जो यहाँ पर प्रोसेस हुई मीओसिस की तो यहाँ पर मीओसिस फर्स्ट में दो क्रोमोसोम सेपरेट हो गए अलग अलग सेल में ट्रांसफर हो गए बट अगली कंडीशन में जब मियोसिस की लास्ट स्टेज इवन हो रहे इवन एना फेज वैसे मोस्टली प्रॉपरली बोलते हैं तो यहाँ पर दो सेल्स में देखें अलग अलग क्रोमोसोम ट्रांसफर हुए लेकिन इस सेल में क्या हुआ यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इस सेल पे फोकस करिएगा इसमें यहाँ पर दो अलग तो हुए सेपरेट तो हुए क्रोमोसोम लेकिन वो एक ही सेल में ट्रांसफर हो गए और ये नेक्स्ट वाली सेल क्या हो गई इम्पट्टी हो गई ठीक है तो ऐसे केसेस में ही इससे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं नॉन डिस्क जंक्शन अब देखिए यहां पर अगर आप देखें तो इसका इंपैक्ट क्या हुआ इसका रिजल्ट क्या होगा सो इफ द एबनॉर्मल गैमिट इज फर्टिलाइज रिजल्ट अब जो एबनॉर्मल गैमिट है अगर वो फर्टिलाइज हो रहा तो क्या होगा देखिए अभी जो हमने एक्ट फॉर्म किया था वो यहाँ पर दो क्रोमोसोम के साथ में और एक स्पम के साथ में क्रोमोसोम आया तो यहाँ पर इन्होंने क्या फॉर्म कर दिया ट्राइसोमिक जायगोट मतलब ऐसा जायगोट जिसमें क्रोमिक ट्राईसोमिक चीज़ें प्रेजेंट है जैसे और यहाँ पर अगर एग इम्पटी है और स्पम यहाँ पर आया तो यहाँ पर मोनोसोमिक जायगोट फॉर्म हुआ तो दोनों ही अब नॉर्मल केसेज में आएंगे ठीक है अब मैं आपको यहाँ पर एक क्रॉस की हेल्प से समझाता हूँ सो so स्टूडेंट्स अब आपको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है क्योंकि जो प्रोसेस अभी मैंने बताई है उसे आप कैसे समझोगे देखो नॉन डिसजंक्शन की प्रोसेस फीमेल्स में हो रही है ठीक है फीमेल्स में हो रही है और ये मैं किसके लिए आपको बता रहा हूँ टर्नर सिंड्रोम के लिए और क्लिनफेल्टर सिंड्रोम के लिए जब नॉन डिसजंक्शन की प्रोसेस होगी तो जो फीमेल्स के पास क्रोमोसोम प्रेजेंट है वो कौन कौन से हैं एक्स और एक्स क्लियर एक ही सेल में और दूसरी क्योंकि दूसरी सेल कैसी रह गई थी इम्पटी तो यहाँ पर कितने क्रोमोसोम है जीरो ठीक है इतनी बात समझ गए एक सेल में एक गैमिट जो आया उसमें दो सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है क्लियर एक ही में और यहाँ पर दूसरे में क्या है जीरो क्लियर नेक्स्ट समझिए और अब अगर इनसे स्पम फर्टिलाइज हो रहा तो स्पम में एक एक्स क्रोमोसोम और यहाँ पर दूसरा वाई क्रोमोसोम है ठीक है दोनों में से कोई भी हो सकते हैं ठीक है इस्पम के पास एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं इस्पम के पास ठीक है अब उनमें से एक्स या वाई में कोई फर्टिलाइज होगा अब अगर ऐसे केसेस में अगर इस मेल का स्पम फर्टिलाइज हुआ तो देखिए यहाँ पर एक्स एक्स फीमेल के और एक एक्स मेल का तो यहाँ पर ट्रिपल एक्स की सिचुएशन फॉर्म होगी जिसे हम बोलते हैं सुपर फीमेल कंडीशन क्या बोलते हैं भाई सुपर फीमेल क्लियर जीरो क्योंकि यहां तो कोई क्रोमोसोम नहीं, सेक्स है ही नहीं ना गैमेट में तो ऐसी को हम क्या बोलते टर्नर यहां क्लियर हो गया आपको की, टर्नर सिंड्रोम की कंडीशन कैसे फॉर्म होती है ठीक है टर्नर सिंड्रोम में इसीलिए 45 क्रोमोसोम होते हैं क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम तो मेल का आ रहा है सेक्स क्रोमोसोम लेकिन एक एक्स क्रोमोसोम फीमेल का नहीं है ठीक है तो ऐसे में आप इसे क्या बोलते हो टर्नर सिंड्रोम बोलते हो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाते हैं फोर्टी फाइव और अगर सुपर फीमेल की बात करें तो क्रोमोसोम नंबर कितने हो गए फोर्टी सेवन और ट्रिपल एक्स क्रोमोसोम है तो सुपर फीमेल बोलेंगे ठीक है नेक्स्ट वन अब अगर यहां पर एक्स एक्स और सिंपल सी बात है वाई क्रोमोसोम आएगा वाई क्रोमोसोम के साथ अगर ये फर्टिलाइज हो रहा है तो इस सिंड्रोम को हम बोलते हैं क्लैन फिल्टर सिंड्रोम देखिए आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि क्लेने कैसे फॉर्म होते हैं और नेक्स्ट वाली कंडीशन में यहाँ पर जीरो कोई क्रोमोसोम है ही नहीं और वाई क्रोमोसोम ने फ्यूज़ किया अब तक ऐसा केस नहीं देखा गया ठीक है इसे हम नॉन वाइबल बोलते हैं और आगे जा करके साइंटिस्ट ने अभी तक बहुत ज़्यादा चीज़े इसके बारे में डिफाइन भी नहीं की हैं कि जहाँ पर जीरो और वाई क्रोमोसोम की सिचुएशन देखने को मिले तो प्रॉपर यहाँ पर हम लोग सिर्फ थ्री ही सिचुएशन की बात करते हैं फर्स्ट यहाँ पर मैंने आपको सुपर फीमेल बताया ठीक है सेकेंड मैंने यहाँ पर आपको टर्नर सिंड्रोम बताया थर्ड मैंने आपको यहाँ पर क्लैनोफिल्टर सिंड्रोम बताया और फोर्थ वन यहाँ पर नॉन वायबल जो कि अभी तक देखा नहीं गया या रिपोर्ट नहीं किया गया है एंड आई थिंक स्टूडेंट ब्लैंक स्लाइड की हेल्प से मैंने जो प्रोसेस अभी आपको नॉन डिस् जंक्शन और क्लैनोफिल्टर सिंड्रोम हो या सुपर फीमेल हो या टर्नर सिंड्रोम की बातें बताई हैं आई होप पक्का क्लियर हो गया होगा आपको नेक्स्ट फैक्ट यहाँ पर समझते हैं टर्नर सिंड्रोम से रिलेटेड कुछ और अनदर फैक्ट्स वो तो यहाँ पर टर्नर सिंड्रोम में मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम नंबर कितने रहेंगे फोर्टी इनका जो अरेंजमेंट है वो एक्स और जीरो आप एक तरीके से बोल रहे हो क्योंकि एक क्रोमोसोम क्या हो गया टर्न हो गया है देन उसके बाद जो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स होते हैं वो फीमेल्स इन अपियरेंस में होती हैं बिकॉज ऑफ एक क्रोमोसोम है लेकिन ओवेरियन डिसजेनेसिस कॉजिंग क्यों ऐसा हो रहा है इनफर्टिलिटी क्यों नहीं क्योंकि भाई एक क्रोमोसोम क्या ओवरी डेवलप कर पाएगा आप खुद सोचो भाई फीमेल के कैरेक्टर डेवलप करने के लिए आपको दो एक्स क्रोमोसोम चाहिए लेकिन वो तो है नहीं तो एक क्रोमोसोम ऐसी कुछ भी चीज़ें नहीं फॉर्म कर पाएगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पर सॉल्ट स्ट्रीचर होगा वेबिंग ऑफ द नेक प्रेजेंट होगी वाइडली स्प्रेड निपल्स प्रेजेंट होंगे एंड यहाँ पर क्यूबाइटस वेल्गस प्रेजेंट होंगी तो यहाँ पर आप इन फीमेल्स में सारे सिम्टम देख पा रहे होंगे ओके तो ये जो भी हमारी फीमेल्स हैं इनमें एक तरीके से फेमिनिन डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो रहा है प्रॉपर ठीक है और दूसरे भी जो सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स होते हैं वो भी एबसेंट होते हैं तो ये तो सारे फैक्ट हो गए हमारे

फर्टिलिटी कॉज करेगी ठीक है और इस प्रॉब्लम में हम यहाँ पर इसे बोलेंगे गायनको मैस्टिया बहुत ज़्यादा ये टर्म पूछा जाता है एडोल्सेंस पीरियड में आपको गायनको मैस्टिया देखने को मिलेगा इसका मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ अ ब्रेस्ट ठीक है अब वो है मेल लेकिन उसमें क्या फॉर्म हो गया ब्रेस्ट फॉर्म हो गया आप ये देख पा रहे होंगे ब्रेस्ट यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं नेक्स्ट उसके बाद मेंटली रिटार्डेशन की प्रोसेस हो सकती है या फिर हाई एंड थिन स्टिशन इनका प्रेजेंट होगा यूजुअली ओवर 180 हंड्रेड uh, सेंटी वन सेंटीमीटर प्रेजेंट होते हैं तो ओवरऑल uh, ये इस्ट्राइल होते हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने फिल्टर सिंड्रोम हमने टर्नर सिंड्रोम हमने डाउन सिंड्रोम पढ़ लिया और एंड आई थिंक आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे बिकॉज ऑफ बुक में नॉन डिसजंक्शन की बात बहुत ज़्यादा नहीं है और एक बात और बता दूँ कि यहाँ पर ये सारे केसेस जो बोले जाते हैं मोस्टली अगर कोई प्रेगनेंट वुमेन यू नो एबोव फोर्टी फाइव एज के ऊपर हो जाती हैं है, है ना तो वहाँ पर नॉन डिसजंक्शन की प्रोसेस ज़्यादा देखने को मिलती है ज़्यादा मतलब फोर्टी फाइव के बाद अगर प्रेगनेंसी हो रही है उनमें क्योंकि uh, क्या होता है कि जो प्रोफेज की प्रोसेस होती है ना वो बहुत प्रोफेज फर्स्ट आप जानते हैं कि जो uh, जहाँ पर मियोसिस की प्रोसेस होती है फीमेल्स में जहाँ पर एग का फॉर्मेशन करना होता है तो आप जानते हैं कि आ, मियोसिस फर्स्ट की फेज में वो अरेस्ट हो जाती है तो इन द इन द फेज ऑफ अ फोर्टी फाइव फेज बहुत ज्यादा डिले हो जाती है ये प्रोसेस है ना तो इस वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं यहां पर नॉन डिसजंक्शन प्रेजेंट होने की वजह से तो उनमें ये प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है सो हो स्टूडेंट्स हियर यू अंडरस्टैंड अबाउट ऑल द फैक्ट रिलेटेड टू क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ऑल्सो डाउन सिंड्रोम ऑल्सो टर्नर सिंड्रोम ऑल्सो क्लैनोफिल्टर सिंड्रोम सो आई थिंक हेल्पफुल रहा होगा वीडियो आपके लिए थैंक यू